सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर एच कितना दे रखा है, 264, 22/7 इंटू आर इंटू एच इक्वल टू 264, आर इंटू एच कितना आ जाएगा 264, 7 ऊपर 2 × 22 नीचे, 2 के टेबल पे 1, 3, 2, फिर 2 के टेबल पे 11 पे ये गया 6, 6 ये गया 6 पे, आर इंटू एच कितना आ गया 6 × 7, 42। उसके बाद दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 924। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर आर एच, ऐसे क्यों लिख लिया क्योंकि मेरे को आर इंटू एच की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी फिर उधर, ठीक है ना। मैंने ऐसे क्यों लिखा पाई आर स्क्वायर एच क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी ना उधर 924, 22/7 एक आर पता नहीं इसकी वैल्यू, लेकिन मैं पुट कर सकती हूँ 42, 7, 6, 42, आर कितना आ जाएगा 924, 22/6 नीचे आ गया 11 के टेबल पे, 11 2 11 8 88, पीछे बचा 4 and 4, 11 4 44, फिर 2 के टेबल पे 2 4 2 2 6 के टेबल पे 7, आर कितना आ गया 7, इधर पुट कर दो 7 × h = 42, h कितना आ जाएगा 42, 7 नीचे 7 6 42, h भी आ गया r भी आ गया। पूछा क्या है, रेशियो पूछी है डायमीटर टू हाइट, रेशो किसकी पूछी है, डायमीटर ऊपर लेना है हाइट नीचे लेनी है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, रेडियस 7 है तो फिर डायमीटर कितना होगा 14, यस मैम, हाइट कितनी है 6, कैंसिल करवा दो 2 के टेबल पे 2 7 2 3 तो 7:3 आंसर। कर दो ये रेस, कितना हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, रेडियाई मतलब रेडियस का ज्यादा, मतलब दो रेडियस है, दो रेडियस है, किसके दो रेडियस है, दो सिलेंडर्स के, उसको आर वन और आर टू मान लो, दो है ना, रेशो दे रखी है, मतलब आर वन अपॉन आर टू कितना दे रखा है 2:3, एंड देयर देयर हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, उनकी हाइट्स दे रखी है, वो भी तो एच वन और एच टू होंगी, कितनी 5:3, फिर पूछा क्या उन्होंने, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, वॉल्यूम बताने हैं, वॉल्यूम क्या होगा, जिसका आर वन और एच वन मानना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एच वन, पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एच वन, दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर टू का स्क्वायर इंटू एच टू, सही है कृति, पाई से पाई कैंसल, आर वन की वैल्यू कितनी है 2, आर वन की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर इंटू एच वन कितना है 5, आर टू कितना है 3, 3 का स्क्वायर इंटू एच टू कितना है 3, ये पता इतना इतना दे रखा है ना, करो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 20/27 आंसर।
सी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन भी दे रखा है, अगर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आए, सी ऑप्शन हो ही ना, और चौथी ऑप्शन दे रखी हो नन ऑफ दीज, तो आंसर नन ऑफ दीज आएगा। सी ऑप्शन दे ना रखी हो, डी ऑप्शन दे रखी हो और नन ऑफ दीज दे रखा हो, तो यही आंसर आएगा, नन ऑफ दीज लगाएंगे हम वहां पर, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा लगाएंगे। हो गया क्वेश्चन, करो इरेज। थर्टी टू क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। कहते हैं एक ना टैंक है जिसका डायमीटर कितना है, 35 सेंटीमीटर है, पूरा पानी से भरा हुआ है। इफ 11 लीटर्स ऑफ वाटर इज ड्रॉन ऑफ, उसमें से अगर 11 लीटर पानी निकाल देते हैं, द वॉटर लेवल इन द टैंक विल ड्रॉप बाय, तो मेरे को बताना है उसका लेवल कितना गिर जाएगा। उन्होंने उसका डायमीटर दे रखा है, उन्होंने उसका हाइट तो बता ही नहीं रखी कि पहले हाइट कितनी थी। उन्होंने इतना बोला है कि पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ तो उसका एक लेवल तो होगा ना, वो मेरे को बता ही नहीं रखा। उन्होंने पूछा है अब लेवल कितना हो चुका है, अब लेवल कैसे निकालेंगे, नहीं उन्होंने ये नहीं पूछा अब लेवल कितना हो चुका है, उन्होंने पूछा कितना लेवल गिर गया है, कितना लेवल गिर गया वो कैसे निकालेंगे, जितनी पहले हाइट थी और जितनी अब हाइट रह गई है उसका माइनस करेंगे वही लेवल गिरा होगा। अगर वो पूछते अब कितनी हाइट हो गई है तो मेरे को बताना होता था अब कितनी हाइट हो गई है, मतलब जो अभी हाइट होगी होगी, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, क्या पूछा है, ड्रॉप, मतलब उनका हाइट में कितना ड्रॉप आया है वो कैसे निकालेंगे, जितनी पहले हाइट थी और जितनी अब हाइट होगी है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकालना है। सही है ना, पहले वाली हाइट भी नहीं दे रखी, अभी वाली हाइट भी नहीं दे रखी, तो मैं उनको एक को कैपिटल एच एक को स्मॉल एच मान लूं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, डायमीटर 35 सेंटीमीटर था, लेकिन मेरे को तो रेडियस चाहिए होता है, रेडियस कितना आ जाएगा 35/2, पॉइंटों में मत करो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो जब भरा हुआ था उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिख दूं। ये वाला वॉल्यूम कब है, जब फुल है, टैंक फुल है, अगर उसमें से मैं 11 लीटर माइनस कर दूं, वो कह रहे हैं ना 11 लीटर निकालो, 11 लीटर माइनस कर दूं तो अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच हो जाएगा। पहले उसकी हाइट में कैपिटल एच मान रही हूं, अभी पानी निकालने के बाद कितनी हाइट उसकी होगी, स्मॉल एच। मेरे को क्या निकालना है, एच माइनस स्मॉल एच निकालना है। इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर ले जाओ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इसको इधर लेके आओ, ये माइनस का हो जाएगा और ये 11 लीटर माइनस का था वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, यही निकालना है मेरे को, 11 लीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये लीटर में है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई, 22/7, आर कितना है, 35/2, लेकिन दो बार करना है, H माइनस एच 11 लीटर था तो उसको मल्टीप्लाई 1000 करके हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ये निकालना, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, थोड़ा सा कट कर लो, कितना होगा 11000, ये जो 2 और 2 है वो ऊपर चला गया, 22/5 and 35 वो नीचे आ गया, 2 के टेबल पे 11 पे गया, 11 के टेबल पे 1000 पे गया, फिर 5 के टेबल पे कितने पे गया, 200 पे गया, फिर 5 के टेबल 5 7 था, 5 4 था,
कितना हो गया 80/7, पॉइंट किस में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शंस में है, किस पे जाएगा 8 के टेबल पे, 8 7 56। हाँ अच्छा ये 70 खत्म हो रहा है, 11 पे, हाँ 11 पे जाएगा, 77 बच जाएगा, पीछे कितना बचेगा 3, 3 ऊपर एंड 7 नीचे, 11 3/7 आंसर। आप जीरकपुर से आते हो, कब चलते, कब हो वहां से, फिर आते किस पे हो, इतनी तपस्या। हो गया क्वेश्चन ये वाला, नेक्स्ट वाला पढ़ो फिर। नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर टू बी मेल्टेड टू मेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर। कहते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, अब नंबर ऑफ समथिंग क्या निकाल, कैसे निकालना होता है। हाँ वॉल्यूम, जी वॉल्यूम करना है, बड़ा हाँ जी, क्या करना होता है वॉल्यूम का, ऊपर छोटा नीचे। बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे। जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना होता है, बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे। अब मेरे को बताओ कॉइन बड़ा है सिलेंडर बड़ा है, सिलेंडर बड़ा है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर, कॉइन का वॉल्यूम नीचे। अब मेरे को ये बताओ, चल सिलेंडर तो सिलेंडर का ही होता है, कॉइन किस शेप का होता है, लेंगे स्फीयर कौन सा सर्कल ना, स्फीयर, वो गोल थोड़ा ना होती, सर्कल वो घूमती रहती, कोई टिक जाता है वो तो बेचारा। सर्कल की शेप का होता है बताओ कॉइन किस शेप का सर्कल होता है, सिलेंडर सर्कल का ही होता है, लेकिन चाहे उसकी हाइट निगलिजिबल होती है, लेकिन होती तो है। हाँ हाँ उसकी चाहे निगलिजिबल है, लेकिन होती तो है उसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ कॉइंस कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन नहीं सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, लिखो पहले पाई सिलेंडर, पहले सिलेंडर का लिखते हैं, उसका आर कितना दे रखा है 3, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 8, कॉइन का उसका क्या होगा पाई आर, उसका आर कितना दे रखा है 0.75 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर इंटू एच 0.2, ये सारे देखना सेंटीमीटर में ही है, कोई मीटर में तो नहीं है, नहीं तो कन्वर्ट करना की जरूरत नहीं है, पाई से तो पाई गया, 3 इंटू 3 9 इंटू 8 ओवर 0.75, 0.75, 0.2, पॉइंट कट कर लो पहले सबके, इसका पॉइंट कट करके ऊपर 100, इसका पॉइंट कट करके फिर 100 ऊपर, इसका पॉइंट कट करे फिर 10 ऊपर, 25 के टेबल पे, 25 3 जा 25 4 जा, 25 3 जा 25 4 जा,
टू वन जा टू, फाइव जा थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री से ये थ्री कैंसल, नीचे तो कुछ बचा नहीं। एट फोर जा थर्टी टू, फाइव फोर जा ट्वेंटी, कितना आ गया 640, 640 आंसर। प्रिंस ने फ्रैक्चर हुआ है, हाँ फ्रैक्चर हुआ था नो, आप पैर ते हो गए जी, की हो गया वो खेड़ दे गिर गया जी, ऐने ही खेड़ लिया ते नहीं गया जी। हो गया क्वेश्चन नंबर 34 है, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसके पीछे क्यूबिक सेंटीमीटर लगा होता है वो क्या चीज होती है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, हाँ जी। ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू अ वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, कहते हैं उस मटेरियल से, वॉल्यूम क्या होता है, मटेरियल ही होता है, उस मटेरियल से मैंने एक वायर बनानी है जिसका डायमीटर मैंने कितना रखना है, 1 मिलीमीटर रखना है। द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर्स विल बी, तो मेरे को बताना है वायर की लेंथ कितनी होगी। अब मेरे को बताओ वायर कौन सी शेप की होती है? सिलेंडर, हाँ जी। वायर किस शेप की होती है? सिलेंडर की, जिसकी मेरे को आर मतलब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस दे ही रखा है। मैम, हाँ जी, ये स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, दिख नहीं रहा कुछ। अभी ठीक है? यस मैम। जो वायर है वो किस शेप की होगी? सिलेंडर की शेप होगी। उसका मेरे को डायमीटर दे रखा है, दैट मींस रेडियस दे रखा है। उसकी हाइट, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर दे रखी है, एच फाइंड करनी है। जो लेंथ होगी वही हाइट होगी, जो वायर की लेंथ होगी वही हाइट मानेंगे। अब मेरे को बताओ जो मटेरियल दे रखा है उसी से मैं वायर बना रही हूँ, दैट मींस जब मेल्ट करके बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल रखते हैं। करो क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर आएगा क्वेश्चन नंबर 34। इस मटेरियल से ही मैंने वायर बनानी है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, लेकिन जो मेरे को डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, फिर रेडियस कितना आ जाएगा 1/2, एक का हाफ ही कर देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, उसका क्या होता है, 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10 सेंटीमीटर के। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/10 सेंटीमीटर के, लेकिन मेरे को निकालना कितना है, हाफ निकालना है, मेरे को चाहिए कितना, हाफ चाहिए ना, तो हाफ किसके इक्वल होगा, नीचे मल्टीप्लाई टू कर दो, कितना आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना आ गया 1/20 सेंटीमीटर, इधर पुट कर दो 66 इक्वल टू 22/7, आर कितना है 1/20, 1/20 इंटू एच, एच निकालना है छोड़ दो अकेला, 66 7 ऊपर, 20 ऊपर, 20 ऊपर, 7 20 20 ऊपर, 22 नीचे, ये गया 3 पे, कितना हो गया
21 और 4 8400 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन उन्होंने हाइट किस में पूछी है, मीटर्स में पूछी है। मेरे पास तो सेंटीमीटर में आया, अब मेरे को प्रिंस बताओ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पे सज्जो होता उसका शक्ल बदल जाती थी। बताओ प्रिंस क्या आपकी शक्ल बदल गई सेंटीमीटर को मीटर में? हाँ जी, डिवाइड कर देना था, डिवाइड बाय 100 ही होता है। तुक्का लाया सही लग गया, 20 ना 20 कैंसिल तो एच कितना आ गया 84 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर। कहते हैं सर्कुलर कोन, अब कोन आ गई, कोन का मेरे को क्या बता रखा है, हाइट बता रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना बता रखा है 16 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ कर दूं रेडियस बन जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। चलो आर तो मेरे पास है, एल नहीं है। एल क्या होती है? आर रूट आर। एल क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विद रूट। आर कितना मेरे पास 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर एच कितना मेरे पास 15, 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289। 289 का रूट कितना होता है 17 होता है। कर्व सरफेस एरिया में लगा दो। पाई को कहते हैं, उन्होंने देखो आंसर किस में दे रखा है, पाई को पाई ले रखा है आंसर में सारे, देखो पाई को पाई ले रखा है तो पाई को नहीं छेड़ना, वैसे का वैसा रखो। आर कितना मेरे पास 8, एल कितना निकाल चुके हैं 17, 17 ईयर 8 का कितना होता है 138 नहीं 136। आज खत्म करना ही करना है। हो गया ये क्वेश्चन? यस। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब देन द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। हाइट दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 36 हाइट दे रखी है मेरे को कितनी 24 सेंटीमीटर एंड और क्या दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा कितना 1232। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है 1/3 पाई आर
स्क्वायर एच 1/3 22/7 आर मेरे को पता नहीं है, एच निकाल पता है 24 आर स्क्वायर अकेला छोड़ दो बाकी सब कुछ उधर ले जाओ 1 2 3 2 3 और 7 ऊपर 22 एंड 24 वो नीचे 2 के टेबल पे 11 पे ये गया 6 1 6 11 के टेबल पे 11 5 जा 55 पीछे बचा 6 6 11 6 जा 66 फिर किस पे जाएगा 3 8 जा 24 8 7 जा 56 आर स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर दैट मींस आर कितना आ गया 7 आ गया आर आ गया एच आ गया उन्होंने पूछा क्या आगे कर्व सरफेस एरिया उसमें एल चाहिए होगा ना क्योंकि पाई आर एल होता है तो एल निकाल लो पहले एल क्या होगा फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विद रूट आर कितना निकाला है 7 7 का स्क्वायर 49 एच कितना 24 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 कितना हो गया 625 625 किसका स्क्वायर होता है प्रिंस किंदा होता है 25 आगे क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्या होता है पाई आर एल इसमें पाई तो नहीं रखा हुआ नहीं 22/7 आर कितना निकालना है 7 एल कितना निकालना है 25 7 से 7 कैंसल 550 आंसर फिर 49 फिर 7 का स्क्वायर लिखना ही पड़ना सी क्योंकि स्क्वायर ना स्क्वायर ताई कैंसिल होएगा चलिए नेक्स्ट वीडियो ऑन करो कमल प्रिंस कमल कर दी थर्टी सेवन है स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर द हाइट ऑफ द माउंटेन इज एल दे रखी है कितनी 2.5 किलोमीटर और क्या दे रखा है एरिया ऑफ बेस अच्छा मेरे को बताओ बेस कैसा होता है सर्कल होता है सर्कल का स्क्वायर सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर वो कितना दे रखा है मेरे को 1.54 पाई की वैल्यू 22/7 आर पता नहीं है आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 1.54 7 ऊपर 22 नीचे इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा 2 के टेबल पे 2 11 जा ये गया 7 7 11 7 जा 77 आर स्क्वायर कितना आ गया 7 ये जो 100 है उसको 10 का स्क्वायर ले सकते हैं ना ऊपर तो 7 का स्क्वायर बन गया नीचे 100 है उसको 10 का स्क्वायर ले सकते हैं दैट मींस 10 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दूं तो फिर आर कितना आ गया 7 अपॉन 10 आ गया ठीक है इसको 0.7 लिख दूं पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0 एक की 0 है तो एक डिजिट छोड़ के लगा देंगे आ गया अच्छा उसके बाद पूछा क्या है हाइट पूछी है आर पूछा है सॉरी एच पूछा है उसके लिए स्लैंट हाइट दे रखी है आर दे रखा है फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितनी दे रखी है 2.5 इक्वल टू, इस इधर से रूट हटाऊंगे इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं आर, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर तो निकालना है, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, 25 का स्क्वायर 625 होता है और पॉइंट इसका और पॉइंट उसका, दो पॉइंट लगेंगे पीछे से दो छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक इसका पॉइंट एक उसका पॉइंट, तो पॉइंट के बाद दो आनी चाहिए तो ये लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, 0.2.5 इंटू 2.5 करना था ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, एक इसका पॉइंट एक इसका पॉइंट, दो पॉइंट लगने हैं पीछे से दो डिजिट छोड़ दो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.7 था, 0.7 इंटू 0.7, 7 का स्क्वायर 49, एक इसका डिजिट एक इसका डिजिट, एक दो यहाँ छोड़ के यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है चल। प्लस एच स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा 6.25, ये जो 0.49 है उसको इधर माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 15 में से 9 गए 6 इधर आ गया 11, 7 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो ये कितना होगा 2.4 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच कितना आ गया 2.4। हो गया क्वेश्चन कर लिया कमल? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4, रेशियो में दे रखे हैं तो दैट मींस एक्स एक्स लेंगे साथ में, आर और एच, R और X कितना कितना दे रखा है 3X एंड 4X, उसके बाद क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 96 pi, ये क्या है क्या कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 pi r square h, पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल होगी 1/3, R कितना मेरे पास 3X, 3x का स्क्वायर इनटू h कितना 4x 1/3, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 के टेबल पे 3 पे गया, x स्क्वायर है ये x है तो x क्यूब बन जाएगा, 96 है ये जो 3 और 4 है वो नीचे आ जाएगा, 3 के टेबल पे 32 पे, 4 के टेबल पे 8 पे, तो x क्यूब 8 को किसका क्यूब लिख सकते हैं 2, तो फिर x कितना आ गया 2 आ गया, पूछा क्या उन्होंने l पूछा है, उसके लिए मेरे को r भी चाहिए h भी चाहिए तभी l निकलेगी ना, पहले r निकालते हैं, r कितना था 3x था, दैट मींस 3 into 2 इक्वल टू 6, h कितना था 4x था, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 आ गया, एल कितना है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विद रूट, आर कितना है 6 का स्क्वायर, एच कितना है 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है,
कर दो इरेज। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेंथ ऑफ कैनवस 1.1 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 14 मीटर एंड द फ्लोर एरिया 346.5 स्क्वायर मीटर इज। कहते हैं मैंने एक ना टेंट है, टेंट किस शेप का है, कॉनिकल मतलब कौन की शेप का है, उसका कपड़ा बनाना है, कैनवस मतलब कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने की मेरे को लेंथ निकालनी कपड़े की, उसकी ब्रेथ मेरे को दे रखी है 1.1 मीटर। अब मेरे को ये बताओ उसका कपड़ा बनाना हो, उसके ऊपर कपड़ा डालना है, दैट मींस मेरे को कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सोच के देखो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टॉप एंड बॉटम, लेकिन जो कपड़ा उसमें डालेंगे आप, वो जो हैप्पी बर्थडे वाली कैप होती है वो रख के देखो ऐसे, उसके ऊपर कपड़ा डाल के देखो, वो बेस को कवर करेगा कपड़ा, नहीं ना, बेस को तो नहीं कवर करेगा, ऊपर ऊपर ही आएगा, दैट मींस वो किसको कवर करेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को ही कवर करेगा। अच्छा कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लेंगे, अब क्लोथ का एरिया, कपड़ा कितना आएगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया, कपड़े का एरिया कैसे निकलता है, क्लोथ का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि उसकी हाइट तो होती ही नहीं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही होता है, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 39, एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन आएगा, क्लोथ का एरिया कैसे होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इधर L into B बड़े कैपिटल लिख लेते हैं, क्योंकि उधर L इधर भी आना है, L भी इधर भी आना है, फिर वो कंफ्यूज करेगा, इधर कैपिटल H लिख लेते हैं क्योंकि L उधर आना है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर L, मेरे को L फाइंड करना है, ब्रेथ मेरे को दे रखी है, पाई की वैल्यू मेरे को पता है, R दे रखी है ना, H हमें चाहिए नहीं है, लगाओ पहले एक साइड पे, एच कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है, साथ में क्या दे रखा है, फ्लोर एरिया, फ्लोर कैसा होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है वो, 346.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर वैसे क्या वैसे है? आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 346.5, 7 ऊपर एंड 22 नीचे, इसका पॉइंट कट करेंगे नीचे वो भी 10 आ जाएगा, किस पे जाएगा, 11 के टेबल पे चला जाएगा, 11 टू जा 22 ये गया, 11 थ्री जा 33, पीछे बचा 1 एंड 6, 11 वन जा 11, पीछे बचा 5 एंड 5, 11 5 जा 55, फिर 5 के टेबल पे 5 2 जा 10, इधर कितना गया, 5 6 जा 30, 1 3 5 3 जा 15, आर स्क्वायर कितना आ गया, 63 को क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 9 लिख सकती हूँ, 63 को क्या लिख दिया, 7 इंटू 9, क्यों लिख रही हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, या फिर 9 को भी लिख दो 3 इंटू 3, 9 को भी 3 इंटू 3 लिख दो, इंटू 7 तो पहले से था ये वाला 7, नीचे कितना 2 इंटू 2, दैट मीन आर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 7 और 3 ऊपर आ गया, नीचे 2 2 बार था, उस नीचे एक बार 2 लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो R कितना आ गया, 21/2 आ गया, R भी आ गया, H भी आ गया, तो L निकल जाएगी, निकालो L, कहाँ निकाल लूँ, इधर निकाल दो L, विजिबल है, L, L क्या होती है, R square plus H square with root,
आर कितनी है 21/2 का होल स्क्वायर, एच कितना है 14 का स्क्वायर. 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 2 का स्क्वायर 4, ए कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. नीचे एलसीएम 441 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, किसका होता है 35 का, 4 किसका होता है 2 का, L आ चुकी है, L कितनी आ चुकी है 35/2. लगाओ इधर, लेंथ निकालनी है, ब्रेथ 1.1 दे रखी है, 22/7 है, R कितना निकाला है ये रहा, 21/2 इंटू L, L कितना निकाला है 35/2. 7 3s are 21, 2 11s are 22. L निकालना है, ये 1.1 उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 11 × 3 × 35, 2 नीचे था 1.1 नीचे चला गया, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना चला जाएगा 10, 11 से 11 कैंसल, 2 के टेबल पे 5 पे गया, तो L फिर कितना आ गया 35 × 3 कितना हो जाएगा 35 × 15 ही कर दो, 5 × 3 = 15. हाँ जी 525 मीटर आ गया. कैलकुलेशन लंबी चली गई इसकी. हो गया क्वेश्चन, नोट कर लिया? यस मैम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 40. वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64/27. दो स्फीयर्स की वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है. अच्छा स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, 4/3 πr₁. आर का क्यूब होता है ना, लेकिन दो है तो r₁ और r₂ ले ले, r₁ का क्यूब over 4/3 πr₂ का क्यूब इक्वल टू कितना दे रखा है 64/27. 4/3 πr₄ तो कैंसिल ही हो गया. 64 किसका क्यूब होता है, क्योंकि इधर क्यूब है ना तो इधर भी क्यूब बनाना पड़ेगा, किसका क्यूब होता है 4 का, एंड 27 3 का. तो r₁/r₂ क्या आ जाएगा 4/3. पूछा क्या उन्होंने, सरफेस एरिया की रेशियो पूछी है. सरफेस एरिया क्या होता है, वो जब हमें ना निकालनी होती है ना कोई चीज, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन आया था ना पीछे 38 क्वेश्चन था, देखो 38 क्वेश्चन में जैसे रेडियस और हाइट दे रखी थी 3 और 4 दे रखी थी, तो वो एक्स एक्स लिया क्योंकि
क्योंकि आगे मेरे को उसको यूज करना है वॉल्यूम में, लेकिन इसको तो यूज ही नहीं कहीं करना आर वन और आर टू को। ले लो एक्स लेना, ले लो कैंसिल हो जाना, ये देखो ले लो एक्स एक्स ले लो, चाहे कैंसिल हो जाना वो। ये आ गया, उन्होंने पूछा आगे सरफेस एरिया की रेशियो, बताओ सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² लेकिन r 1 का स्क्वायर एंड 4πr 2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल, r 1 का स्क्वायर करना है, r 1 कितना है 6, 4 4 का स्क्वायर, r 2 कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 ओवर 9 आंसर। जब खत्म करके ही जाना है, वैसे सर लेट ही आते यार। कितने कितने लेक्चर आ गए उसके कंप्यूटर के? हो गया क्वेश्चन? यस मैम। चले कन्वर्जन करवाते हैं, मैं लूंगी चैप्टर अभी जो एरिया वॉल्यूम है ना उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाने हैं, क्योंकि उसमें पॉलीगन आ रहा है, पॉलीगन उसमें है नहीं, लूंगी लेक्चर एक दो। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट, फिर क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी, फिर क्या करना होता है, बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेड सिलेंडर 15 सेंटीमीटर हाई एंड विद बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। बुलेट कौन सी शेप की होती है? उन्होंने बोला ना स्फेरिकल बुलेट्स, उन्होंने बोला ना स्फेरिकल बुलेट्स, मतलब बुलेट्स कौन सी शेप की है? स्फीयर की शेप की, और सिलेंडर का, एक सिलेंडर है, सिलेंडर बड़ा होगा या बुलेट बड़ी होगी? बुलेट वो वाली है गोली, दूसरा ना बुलेट। नंबर ऑफ बुलेट्स कैसे बनेंगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नीचे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर वो ऊपर ले चुके हैं आर, इसका आर कुछ और लेना पड़ेगा, अब बड़ा आर ले लेते हैं, ठीक है, पाई से तो पाई कैंसल हो गया। ये जो थ्री था वो ऊपर चला जाएगा अभी, ये जो थ्री था वो ऊपर चला जाएगा थ्री। अच्छा मेरे को बताओ सिलेंडर की आर कितनी बता रखी है? सिलेंडर की आर है थ्री, थ्री का स्क्वायर, एच कितना है 15, नीचे कितना है 4 और आर क्यूब, उसकी आर कितनी दे रखी है? डायमीटर है 5 मिलीमीटर है, दैट मींस रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर, सही है? यस मैम। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू 1/10 सेंटीमीटर बोला था मैंने, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर बोला था ना, कितना आ गया 1/4 सेंटीमीटर, कर दो 1/4 का क्यूब, कितना आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर 9 × 15 4, 1/4 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 64, 1/4 का क्यूब कितना होता है 64 ही होता है ना, लेकिन भाई तीसरे वाले में आ गया, जो तीसरे वाला होता है वो पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। yes, ma'am. करो ये इधर, चलो करो 3 × 9 × 15 /
फोर, ये जो 64 था वो ऊपर चला गया, 4 के टेबल पे कैंसिल करो कितना जाएगा 16 पे, 16 फोर 64 होता है, कर दो मल्टीप्लाई, आंसर बड़े बड़े ही हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 27 इंटू 15 इंटू 16 27 इंटू 15 इंटू 16 कितना आया 6480, 6480 आंसर। कितनी बुलेट्स बनेंगी, क्लियर है? चले नेक्स्ट पे। yes, कमल कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। ओके क्वेश्चन नंबर 42 है, अ मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, कहते कोन को मेल्ट कर दिया एंड मेड इनटू स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एच, और उस क्या था कोन था, कोन को मैंने मेल्ट करके क्या बना दी, स्फीयर बना दी, जिसका रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने को बताना हाउ मेनी स्फीयर्स बनेंगी, बताना कितनी बनेगी, तो क्या करेंगे कोन का वॉल्यूम ऊपर, स्फीयर का वॉल्यूम नीचे, क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नीचे, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, लिख दूं पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, कितना आ गया, पहले कोन का आर लिखाओ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर इनटू एच, एच कितना है 24, नीचे आर 4 भी है, आर कितना है उसका 2, 2 का क्यूब, 12 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 थ्री जा 24, 4 थ्री जा 12, 12 इंटू 3 थ्री जा 9, 12 9 जा कितना होता है 108, 108 ए ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन ये वाला? यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल टू 19404, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 लिखो पाई की वैल्यू पुट करो, और उन्होंने पूछा भी रेडियस ही है, रेडियस ही पूछा है, आर क्यूब वैसे का वैसा छोड़ दो, इक्वल टू 19404, सारा कुछ उधर ले जाओ, आर क्यूब को इधर रहने दो, वॉल्यूम दे रखा है कितना 19404, वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इक्वल टू 19404, 3 ऊपर 2 नीचे और पाई भी नीचे, 19404, 3 ये जो 22 था 7 ऊपर चला गया, 2 भी नीचे है, कैंसिल करवाओ अभी, टू के टेबल पे 11 पे गया,
ये गया 2 9 18, 2 7 14, 0 2। फिर 2 के टेबल पे 2 3 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2। फिर 11 के टेबल पे 11 4 44, पीछे बचा 4 5, 11 4 44, पीछे बचा 1 1, 11 1 11, आर क्यूब तोड़ दो। 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर होता है ना, 441 इनटू 7 3 21, ये तो क्यूब बन गया 21 का, दैट मींस आर कितना आ गया, 21 आ गया। क्लियर है कमल, क्लियर है? क्लियर है मैम। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 44 है। अ मेटालिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द शेप ऑफ अ कोन। कहते हैं हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कौन सी शेप में बनाते हैं, कोन की शेप में, विद द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। कहते हैं जो रेडियस है दोनों का वो सेम रहता है, रेडियस है वो दोनों का सेम रहता है। h इज द हाइट ऑफ द कोन देन। अच्छा, किसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बना रहे हैं, तो क्या इक्वल रखेंगे दोनों का, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का क्या होता है, 1/3 πr²h। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 πr³। इसका भी r लिखूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों का जो r है वो सेम है, उन्होंने बोला है ना दोनों का r सेम है। ये जो कोन का h, कैपिटल h कहते लिखो, उन्होंने बोला ना कोन का कैपिटल h, वो तो अच्छा आर है, कहते आर भी कैपिटल ही है, आर भी कैपिटल ही था। 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, इधर 2r है इधर 3r है, इधर दोनों कट हो जाएंगे, इधर एक बच जाएगा, दैट मींस इधर h बच गया, इधर कितना बच गया 2 एंड r, h इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आ गई, ए ऑप्शन। कुछ नहीं था इसमें तो, यस मैम। चलो नेक्स्ट पे, यस मैम। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। कहते हैं एक मैंने स्फीयर कट करना है, किसमें से, हेमिस्फीयर में से कट करना है, 45। कहते हैं एक हेमिस्फीयर है मेरे पास, उसमें से मैंने स्फीयर को कट कर देना है, कट कर दिया, जिसका कहते हैं हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। ये जो हेमिस्फीयर था उसका रेडियस, रेडियस क्या होता है, दिस इज आर, दिस इज आर, ये भी आर ही है, ये भी आर ही बनेगा। अब यहां से एक रिलेशन बना के देखो, जो स्फीयर का नहीं सॉरी हेमिस्फीयर का जो रेडियस बन रहा है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो स्फीयर का डायमीटर बन रहा है, जो हेमिस्फीयर का आर है वो स्फीयर का डायमीटर बन रहा है, बस इसी पे क्वेश्चन है डिपेंड। आगे उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो निकालो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऊपर क्या रखना है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³। नीचे स्फीयर का क्या होता है, 4/3 πr। उसका आर क्या होगा, जो स्फीयर का आर क्या होगा,
स्पीयर का आर क्या होगा, इसका हाफ आर, आर का हाफ आर बाय टू हो जाएगा, जो इसका रेडियस होगा इसका आर बाय टू, ये भी आर बाय टू है, बस कर दो इसको, थ्री से थ्री कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऊपर कितना बच गया आर क्यूब, नीचे कितना बच गया टू आर क्यूब अपॉन, टू का क्यूब कितना होता है एट होता है, टू का क्यूब एट होता है, करो आर क्यूब टू इंटू आर क्यूब, ये जो एट था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले के साथ, कर दो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, ऊपर कितना बच गया फोर, नीचे कितना बच गया वन, फोर रेशो वन आंसर आ गया। क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है जी, ओके थैंक यू मैम, ओके।